जहां आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर बायसनेस के एलिगेशन लगते रहते हैं, वहीं 1990s में 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा था कि आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर माई ब्रेकफास्ट। ये और कोई नहीं, ये थे TN शेषान, जो कि 1955 बैच के IAS ऑफिसर भी रह चुके थे। ही इज पॉपुलरली नोन एज द मैन बिहाइंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इन्होंने बूथ कैप्चरिंग पे रोक लगाई, पहली बार मल्टीपल फेजेस में इलेक्शंस को कंडक्ट कराना स्टार्ट किया। इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड सिस्टम भी इन्हीं के टेन्योर में आया था। रिलीजन बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स पे रोक लगाई इन्होंने, इलेक्शन कैंपेनिंग पे रोक लगाई रिलीजियस प्लेसेस पे। साथ ही गवर्नमेंट मशीनरी और लाउडस्पीकर का यूज ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, इस पे भी इन्होंने नकेल कसी। इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए, और इनके इन्हीं प्रयासों को कहा जाता है शेषान इफेक्ट, जिनके लिए इन्हें 1996 में रैमन मैक्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।